प्रयागराज से कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने आजम खान को लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर पर लिखा है कि आजम खान साहब कांग्रेस में आइए, आपका स्वागत है। इस पोस्टर को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की। हमारा मकसद यही है कि उनका स्वागत कर रहे हैं कि वो आएंगे तो कम से कम ये होगा कि जो कांग्रेस में उनका सम्मान जो कद बढ़ेगा वो अखिलेश सुखलेस उनके बराबर नहीं दे सकते, क्योंकि अखिलेश ने उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया, उनका शोषण किया है और हम नहीं चाहते कि उनके साथ फिर कभी ऐसा मामला आए। मोहम्मद गुफरान जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुफरान, जहां पर अब और वक्त बिताना होगा जेल में आजम खान को, वहीं पर सियासत भी और तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस से ऑफर मिल रहा है उनको। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बेहद बेचैन है आजम खान को लेकर के। प्रमोद कृष्णम की मुलाकात जेल में रमजान के दरमियान और वहां पर उन्हें एक तरीके से भगवत गीता भेंट करना और उनके दुख दर्द को सुनना और बाहर आकर के जिस तरीके से उनकी तकलीफ को प्रमोद कृष्णम ने बयां किया है, और अब कांग्रेस नेता ने एक पोस्टर जारी किया है और कांग्रेस के ही पोस्टर बैनर में एक तरीके से कह सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और इसके अलावा प्रमोद कृष्णम की तस्वीर है, कांग्रेस के एक प्रवक्ता की भी तस्वीर है, उनके बीच आजम खान की जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बता रही है कि आने वाले वक्त में सियासी हलकों में कहीं ना कहीं से एक नई जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है, क्योंकि आजम खान को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बगावत का दौर शुरू हुआ, लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, उनके लोगों ने एक तरीके से आरोप अखिलेश यादव पर लगाए और अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने पोस्टर जारी किया है और बाकायदा। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का चुनावों में रहा है मोहम्मद गुफरान, उसके बावजूद भी इस तरह का ऑफर देना। देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस का अगर प्रदर्शन की बात करें तो बहुत खराब रहा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो 2022 का या फिर 19 के लोकसभा का, लेकिन कांग्रेस पार्टी आजम खान को लेकर के इसलिए भी उतावली है। तो ये क्या 24 की तैयारी माना जाए कि क्या 24 को लेकर इस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है कांग्रेस? देखिए निश्चित तौर पर 2024 को लेकर के कांग्रेस पार्टी बेहद सजग है और वो चाहती है कोई एक ऐसा चेहरा आए जिसके बदौलत वो उत्तर प्रदेश में अपनी जो सियासी कोई जमीन है उसको हासिल कर सके। इसी लिहाज से आजम खान पर डोरे डाले जा रहे हैं और बाकायदा कांग्रेस नेताओं की जो हमदर्दी है वो सीधे तौर पर आजम खान से जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं। बहरहाल ये देखना होगा मोहम्मद गुफरान की इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है और क्या रुख होता है आजम खान का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।